धन्यवाद ते बहुत बहुत शुक्रिया। जलंधर दी इतिहासिक धरती और इस धरती दे सत्कारयोग बजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणां छोटे बच्चे गर्मी के बावजूद तुसी इत्थे पहुंचे हो भारी गिणती च बहुत बहुत तुहाडा धन्यवाद ते चलिया होया कि कदम साडे सिर मत्थे मंच दे उत्ते मेरे नाल बैठे मेरे कैबिनेट के साथी तुहाडे अपने करतारपुर हलका तो विधायक चुने हुए बलकार सिंह जी राज्यसभा के साडे वो दो मैंबर जिहड़े अपने अपने फील्ड के विच बहुत स्पष्ट ते एक्सपर्ट ने मुराद मेरी संत बाबा बलवीर सिंह जी सीचेवाल तो जिहड़े किसी जानकारी के मोहताज नहीं है वो राज्यसभा च नहीं भी होंदे सी वातावरण पंजाब के कल्ले कल्ले पत्ते नू जानदे ने कली बूंद नू जानदे ने सो उन्हां दी रखवाली लई हमेशा तत्पर रहिंदे ने और साडे नौजवान राज्यसभा के मैंबर वो भी राज्यसभा दे विच बोलन लई हमेशा तैयार रहिंदे ने ते भावें दो मिनट मिलन चार मिनट मिलन जिवें पहला मैं लोक सभा च करदा हुंदा सी वो बोलदे जरूर है राघव चड्ढा जी साढ़े एम एल ए रमन अरोड़ा जी शीतल अंगराल जी मैडम इंद्रजीत कौर मान जी साढ़े पार्टी के अहुदेदार साहबान चेयरमैन साहबान साड़ी पार्टी दे लोग जदों जिमनी चोल हुई सी उदों बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले वलंटियर साहबान और वख वख वर्गां दे भाईचारियां दे नुमाइंदे वो बैठे ने जगरूप सेखवां जी जिहड़े कि हुणी जनरल सैकटरी बनाए गए ने जगबीर बराड़ जी महेंद्र भगत जी तुसी सारे जानदे हो उन्हां नूं जिन्हां ने मेरे कोले आके यही गल कही कि पंजाब दी सेवा दे लई साडी किते भी ड्यूटी लाओगे हाजिर रहांगे सो उन्हां ने करके भी दिखाया कि जलंधर दे लोकां ने 3 लाख तो वध वोटां पा के सुशील कुमार रिंकू नूं 60,000 दे लगभग मार्जन ते तुसी जिता के भेजिया उहदे लई मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कोटन कोट धन्नवाद करदा तुसी गर्मी दे विच जाके लाइनां च लगे वोटां पाईआं ते साडा हौसला वधाया तो हुण वारी साडी है। मैं जदों भी मैं भावें करतारपुर गया मैं शाहकोट दे गया मलसिया गया मैं बड़ा पिंड गया मैं जंडियाले गया नकोदर गया आदमपुर गया जलंधर दे वख वख कैंट च गया नॉर्थ गया वैसट गया जिथे मैं जांदा सी मैं कहिंदा सी 10 मई नूं तुसीं जिम्मेवारी निभा दो झाड़ू वाला बनन दब के उदों बाद जिम्मेवारी निभाउण दी वारी साडी है ते असीं उसे लड़ी तहत आ जिथे आए हां कि तुसीं ऐसी जिम्मेवारी निभाती कि साडी जिम्मेवारी वध गई हुण साडा फर्ज है कि असीं महीने 10 भी नहीं हैगे असीं पूरे करिए जिस तरह एम पी साहब ने दस्या सुशील रिंकू जी ने कि 17 मई नूं असीं आदमपुर वाली सड़क जिहड़ी नरक बनी पई आ थल्ले दुकानदार बहुत दुखी सी मेरे को आए सी मैं कहा जी रिजल्ट जिहड़ा मर्जी होवे सड़क बनूगी और वो सड़क बन लगी हुई है पर बड़ी जल्दी सड़क जिहड़ी कंप्लीट हो जाऊगी। उस तो बाद जंडियाले तो गुराया 18.47 किलोमीटर है वो सड़क ना मैं कदे बनी देखी जदों दा मैं कलाकार तौर पर भी लंघता रहा बहुत बारी वो सड़क ये दस दिंदी सी कि सड़क च टोए देखे होणगे टोयां च सड़क पहली बार देखी है वो भी बन रही है उहदा भी टेंडर हो गया तो बड़ी जल्दी वो भी शुरू हो जाऊगी जो शाहकोट वाले ने वादे किए पूरे होणगे जो करतारपुर
कंस्टिट्यूंसी वाले वादे किए पूरे होंगे, जो आदमपुर वाले वादे किए पूरे होंगे, जो फिलौर वाले वादे किए पूरे होंगे, क्योंकि पंजाब सरकार तुसी अपनी बनाई है, थोड़े वास्ते हाजिर हाँ। पैसे की कोई कमी नहीं होंगी जे नीता साफ होन। यह वो सरकार नहीं है गल गलते कहते खजाना खाली है, खजाना खाली है। असं हर गलते कहने कोई गल ही नहीं पैसे की, जिन्ने मर्जी चाहिए हूँ लोगों वास्ते हाजिर है खजाना, बहुत पैसा होंगे लोगों का पैसा, वो जो मर्जी लोगों के खर्च लो। सो जदों थोड़ी नीयत साफ हो भगवान फिर रब भी साथ दिंदा। मैं कहा सी कि झोने वेले कोई बिजली की कमी नहीं आऊगी, इतों पहला धरने लगते होंगे सी लाइट नहीं आ रही, ग्रिड घेर लिया, बिजली का ग्रिड घेर लिया, लाइट पूरी नहीं आ रही, दो दो घंटे आ रही है, अठ घंटे किवें पूरे कर दिया। इस बार मैं कहा सी ट्यूबवैल बंद करके झोने लगन ला देंगे, और गल हो रही है, तीजा दौर चलन वाला है परसों 21 नूं। मैं अज ही सीचेवाल साहब दसते सी कहिंदे दुआबे च पहली बार नहरों का पानी आ रहा है, पहली बार हो रहा कि कस्सियां पुराने रजवाहे चला ले, असी पाइपां ते पाइपां दबी जाने आ, जिथे कस्सियां होंदियां सी पाइपां दब के पिंडां च असी नहरों का पानी लेके जावांगे। उहदे नाल की होऊ, ट्यूबवैल वरतने घट हो जाणगे, धरती विचला पानी बच जूगा, जिदे बारे अजे तक कदे किसी ने सोचा ही नहीं। एक डैम बना रहे असी शाहपुर कंडी, वो डैम तो 206 मैगावाट बिजली पैदा होगी, तो नाले थोड़ी जी नहर है दुआब बिस्तली वो कदे भी पानी तो बिना खाली नहीं रहेगी, वो तो आया करूँगा। उही पानी हुण कित्थे जांदा है, रावी च पै के पाकिस्तान नूं चला जांदा, लीकेज हैगा अपना लीक हो जाता, तो उन्हें संभालता नहीं कोई, असं उन्होंने संभालेंगे, नाले बिजली बनावेंगे, तो नाले 10,000 एकड़ जमीन जिहड़ी है वो होर ज़्यादा जिहड़ी है उपजाऊ हो जाऊगी, वो पानी दे पहुँचण करके, पानी दे पहुँचण करके। सो इस करके जे नीता साफ हो सब कुछ हो जाता है। अज 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 48 काम ने, स्ट्रीट लाइटां ने, सीवरेज दे ढक्कण ने, पार्किंग है, सड़कां टुटियां पईयां, और थानू मंत्री भी असी उही दिता है जिहदी कोले पावर यही हुंदी है, लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर कोले कि शहर चमका ले अपने, तो जलंधर नू चमकावांगे, पहला जलंधर नू चमकावांगे, फिर जलंधर नू दिखावांगे कि जे नीयत साफ होवे तां इदां हो जांदा हुंदा, जलंधर जाके देख लिओ। पिछले दिन ही हालांकि हजे सुशील कुमार रिंकू जी ने सौ नहीं चुकी MP दी, काम तो शुरू हो चुके ने, पिछले दिन इन्हों नाल लैके गया, तुम देखी होनी फोटो, नितिन गडकरी जी को सड़कां दे मिनिस्टर ने जड़े, इन्हों पुछो एक घंटा उत्थे मीटिंग चली, वो केड़ी सड़क है जिहड़ी मैं दसी ना होवे ते उन्हें हाँ ना की होवे, चक लै कहिंदा लै जा तू लिया आप काम, तेरे कामों तो खुश हाँ सी। सो आ भी होगा जोड़ा कोई विचाले पे ने ना कुछ हाईवे वो सारे पूरे हो जाए, हालांकि 50 साल पुरानी सीट जी कांग्रेस को 50 साल पुराने तंबू पटते आम आदमी पार्टी ने जड़ा लाती जलंधर च, पर एक काम तुम हजा करता जिदे वास्ते तो नाम इतिहास लिखा जाऊगा हिस्टरी च, आम आदमी पार्टी द 92 सीटा सी लोग अपना विधानसभा, 7 सी राज्यसभा, वो कहते हैं ना कहते मन कि 1 रुपया लख दे बराबर नहीं बहिंदा, बाबा जी 1 रुपया लख दे बराबर नहीं बहिंदा, पर जे लख चो रुपया कढ दिए वह भी लख नहीं रहिंदा। तुसी की कीता 92 ते 7 99 सी साडे कोले, लोक सभा च तो कोई है नहीं सी, राज्यसभा 7 सी, विधानसभा च पंजाब तो इत्थों 92 सी, सो 7 राज्यसभा सी 99 सी, तुसी रिंकू नू जता के सेंचुरी लाती आम आदमी पार्टी दी पंजाब चों।
ਤੁਸੀਂ 99 ਦਾ ਤੇ 100 ਦਾ ਫਰਕ ਕੱਢਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਲਾਤੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੌਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ, ਪਹਿਲਾ ਚੌਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਚਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਹੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਟਰਸ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਈਟਰ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਚਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਬੱਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਆ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ PAP ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 15,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਨੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟੂਗਾ। ਹੋਰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਲਾਜ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਹੋਵੇ ਮੁਫਤ ਸਾਰਾ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਤਾ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰਤੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਕੜ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਚੌਥੀ ਪਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਉ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਪਾਸ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਰੇਵੜੀ ਬਾਂਟ ਰਹੇ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ? ਯਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਰਿਓੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਖਾਤੇ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਪਾਪੜ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਆ ਗਏ 15 ਲੱਖ ਇੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 15 ਲੱਖ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰੇ ਪਿਆ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਪੂ ਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਰੂ। ਲੈ ਯਾਰ,
कोई कोई पढ़े लिखे वाला फैसला ले लो नहीं। हाँ इन्ना हैगा साढ़े खाते तो 15 लाख नहीं आया पर करप्ट मंत्रियों के घर चो नोट गिनने वाली मशीन जरूर मिलने लग गई। घर चो नोट गिनने वाली मशीन मिलने लग जा तो फिर शहीद भगत सिंह और आत्मा तड़फूगी कि इस देश वास्ते कुर्बानी देती असी 23-23 साल की उम्र च इस देश वास्ते असी चढ़ गए सूली 23-23 साल की उम्र च इस देश वास्ते असी चढ़ गए सूलिया से कि जिते मंत्री लुटते हैं तो घरें नोट गिनने वाली मशीन रखी हुई हैं। वीरो जे कि आप ना कहा करो जे कोई कही भी इतने यार ए हो जाता वोटा पाइए वोटा पा के चंगे बंदे ले चलो आप लेना है हर गल कह चल आप लेना क्यों नहीं लेना बई अपना मुल्क है आप हिसाब लेना इन्हों तो जे शहीद साढ़े योधे ये सोच लगते आप लेना है फिर देश आजाद हो जाता। मैं तुम्हें किस्सा सुना राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सारे कट्ठे जदों इनकलाब दे विच सी तां जिहड़ा राजगुरु सी उह कुछ लिखता नहीं सी। शहीद आजम भगत सिंह तां एडिटोरियल भी लिखते रहिंदे सी अखबारां च लेख लिखते रहिंदे सी उह तां शेयर लिखते रहिंदे सी उह तां बहुत अखबारां दे विच रसालियां दे विच बहुत मैटर लिखते रहिंदे सी। राजगुरु नहीं कुछ लिखता सी 19-20 साल की उम्र सी उस वेले 20 दी होनी तो एक दूजे नूं मजाक करते सी राजगुरु तू कदे कुछ लिख नहीं सकता यार। तो राजगुरु पूने तो सी हिंदी बोलता सी तो राजगुरु कहिंदा मैं भी कभी कुछ लिखूंगा भगत सिंह और उसको भी लोग कभी स्टेज पर पढ़ के सुनाएंगे। वो हस पैंदे सी तू लिखेगा कुछ चलो जी करदे कराउंदे फांसी की सज़ा हो गई जेल च कट्ठे हो गए। राजगुरु ने फिर पूछा कर सुखदेव तो भगत सिंह कुछ लिखा कहिंदा नहीं कहिंदा कब लिखेगा कहिंदा लेकिन लिखूंगा एक दिन यार कुछ तो लिखूंगा। चलो जी केस चलता रहा फांसी वाला दिन आ गया अर्ली मॉर्निंग 3 बजे ठा ले कि फांसी है जी नहाँदे पहला फांसी तो फिर क्या भगत सिंह होर ने कुछ लिखा कहता लिखूंगा कहता खब कहता बस अभी लिखता हूँ। एक जिहड़ा आया सीगा हौलदार हैगा तो इंडियन सी पर ब्रिटिश फौज दे विच सीगा वो उन्हूं कहिंदा यार एक कोला लिया के दे दे आखिरी इच्छा है कुछ लिखना है क्योंकि फांसी वाले तो सारा कुछ खो लेंदे है। उन्हें कहा चलो यार आखिरी इच्छा है अद्धे घंटे बाद तो फांसी हो जानी है उन्हें कोला लिया के दिता। लाहौर की सेंट्रल जेल दे बैरक की कंध ते 2 लाइना लिख के गया जी राजगुरु अज जरा समझ भी लियो तो जाके अपने दोस्तों मित्रों दस भी दियो 2 लाइना लिख के गया की लाइना सी राजगुरु ने लिखा हम भी जी सकते थे चुप रहकर हम भी जी सकते थे चुप रहकर हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर। इन्ना लिखा अद्धे घंटे बाद फांसी हो गई भाई सानू पढ़ाया नहीं जाता है किसी सिलेबस ही है नहीं है कि साढ़े शहीदा ने किडिया कुर्बानियां कीतिया पहलियां ते आखिरी 2 लाइना कदे किसी ने तू पहला दसिया थोनू पढ़ाते ही नहीं सानू होर ही कुछ पढ़ाई जाते हैं शहीदों बारे दसते ही नहीं गुरुआ बारे दसते ही नहीं कि कुर्बानियां कीतिया सी आपदा ही सिलेबस में फिट करी जाते हैं। सो इस करके असी उन्हां शहीदां नूं याद भी करते हैं तो उन्हां दे सुपने की आज़ादी जिहड़ी है वह भी घर घर तक पहुँचाउण दा काम करांगे। कोई पैसे का लालच नहीं कोई मैनू अखबार च अपना नाम छपाउण दा चा नहीं कोई मैनू टीवी ते आउण दा चा नहीं सारे चा तुसीं मेरे पहले ही पूरे करते सी हुण तां बस इक्को ही चा है कि पंजाब मेरियां अखां सामने रंगला पंजाब बन जाए गिद्धे भंगड़े पहन लोग खुश होण किसान खुश होवे स्टूडेंटां नूं वधिया पढ़ाई मिले इत्थी डिग्री मिले इत्थी नौकरी मिले तो व्यापार जिहड़ा वो बधे फुले तो साडा पंजाब तरक्की करे यही बस एक तमन्ना। और मैं उम्मीद है कि परमात्मा ये मैं समत बख्शे कि मेरे हाथों कोई गलत फैसला ना होवे मेरे हाथों जो फैसला होवे उहदे नाल लोकां दे घरां च खुशियां खेड़े आउण यही मैं हर वक्त दुआ करदा। तुसीं इन्नी माण सत्कार इज्जत नाल मैनूं सुणिया मैं बहुत बहुत तुहाडा धन्नवादी हाँ। और
लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो जदों मर्जी तुसी भी आ जाओ, जदों मर्जी कोई काम होवे सरकारां तुहाडे द्वार ने, तुहाडे नेड़े ही रहिंदी है सरकार, मोढ़े तो फड़ के रोक लियो, बांह तो फड़ के रोक लियो, कोई गलती करते हुए तां भी सानूं दस दिओ, सुझाव भी दे दिओ, ते कोई तुहाडा अपनी शिकायतां ने वह भी दस दिओ, दोनों हाथ उपर चक के दो नारे ला दिओ, इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेरे वालों तुहानू सारयां नू सत्कार, हौली जायो आराम नाल जायो, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर दिल तो।